वेलकम टू किचन क्राफ्ट। आज हम गणेश चतुर्थी के लिए मोदक बनाएंगे। ये इंस्टेंट ओरियो मोदक है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट में ये मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा पैकेट ओरियो बिस्किट का लिया है। ये वनीला फ्लेवर वाले हैं। बीच में से हम इस तरह से क्रीम को अलग कर देंगे। एक बाउल में हम बिस्किट रखेंगे और दूसरे बाउल में हम जो क्रीम निकाल रहे हैं वो रखेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। आप चाहे तो कैडबरी फ्लेवर वाला जो ओरियो बिस्किट आता है वो भी ले सकते हैं। इस तरह से हम सारे बिस्किट को क्रीम से अलग कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाता है। अब मिक्सर के बड़े वाले जार में हम बिस्किट को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच बटर डालेंगे। ये सॉल्टेड बटर है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क यहाँ पर हमें बाइंडिंग के लिए डालना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप घर की जो फ्रेश मलाई है उसके अंदर पिसी हुई चीनी मिलाकर उसे अच्छी तरह से फैट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप ओरियो बिस्किट को मिक्सर के अंदर ग्राइंड करें तो ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से स्मूथली ग्राइंड हो जाना चाहिए। हाथों में थोड़ा सा प्रेशर लाकर आप उसे मिक्स करें और जरूरत पड़े तो फिर कंडेंस मिल्क डालें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और कंडेंस मिल्क डाला है। यहाँ पर हमें बाइंडिंग वाली कंसिस्टेंसी चाहिए इस तरह की। अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो मोदक मोल्ड के अंदर अच्छी तरह से शेप में नहीं बनेंगे। अब हमने जो वैनिला क्रीम अलग निकाल के रखा था उसके अंदर हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। ये आपको मार्केट में रेडी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी 2 चम्मच डाला है। अच्छी तरह से क्रीम के साथ उसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अभी इसमें क्रीम ज्यादा लग रहा है तो मैं और 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं या तो फिर कोई भी चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं। इसकी भी कंसिस्टेंसी अभी बाइंडिंग वाली हो गई है। तो अभी हमारे दोनों डो बनकर तैयार है। अब इस तरह का एक मोल्ड लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ी साइज वाला मोल्ड है। घी से अच्छी तरह से दोनों साइड पर हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो बटर से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह से ग्रीस करने से हमारे मोदक बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाएंगे। अब इसे हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट का जो हमने डो तैयार किया था वो लगाएंगे, जिससे हमारा बाहर का लेयर बनेगा। चारों ओर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे हम मोल्ड के अंदर सेट कर लेंगे। सेट करते समय जो भी हिस्सा बाहर एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम निकाल देंगे ताकि हमारा मोदक का जो शेप है वो अच्छा बने। इस तरह से बिस्किट का हम लेयर तैयार करेंगे। अब बीच में जो जगह है वहां पर हमने जो क्रीम वाला डो तैयार किया था वो रखेंगे। इसे हमें इस तरह से गोला जैसा बनाकर उसके अंदर प्रेस करना है और जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे और नीचे हम फिर से बिस्किट वाले डो से उसे कवर कर लेंगे। उसका जो लेवल है वो अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। जब इस तरह से हो जाए तब हम मोदक के मोल्ड को ओपन करेंगे। मोल्ड का जो लॉक है उसे हम निकाल देंगे। अभी हमारे बहुत ही सुंदर ओरियो बिस्किट के मोदक बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम बाकी के मोदक को भी तैयार कर लेंगे। अभी हमारे सारे मोदक बनकर तैयार है। बच्चों को ये मोदक बहुत ही पसंद आएंगे।
तो ये गणेश चतुर्थी पर आप ये मोदक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं।